आप लोग बोलते हैं एक्सीडेंट के विषय में, वो ड्राइवर नहीं चाहता जानबूझ के एक एक्सीडेंट हो। हेलो दोस्तों, नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। सुबह का आठ बज रहा है। तो ये घाटी ढुल का आया, टायर थोड़ा गर्म हो गया है, तो टायर ठंडा करना पड़ता है, ब्रेक तो गर्म हो जाता है, ब्रेक कम लगता है फिर। तो ये घाटी ढूंढ के आए हैं अभी, थोड़ा देर टायर ठंडा होगा यहाँ। ठीक है दोस्तों, टायर लगभग ठंडा हो ही चला है, तो निकलते हैं आगे, जाते हैं आगे, देखते हैं क्या होता है। देखिए दोस्तों, यहीं पे खाना बन रहा है आज दोपहर का, पेड़ के नीचे गाड़ी लगाए हुए हैं, गाड़ी भी ठंडा हो रहा है। आगे फिर एक घाट पड़ता है लोरो घाट, उसको भी चढ़ना है, तो यहीं ठंडा में अभी खाना वाना बना रहे हैं, यहीं पर खा के शाम शाम में घाट चढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, आप लोग बोलते हैं एक्सीडेंट के विषय में, तो एक्सीडेंट जो है वो हर बार ड्राइवर का गलती नहीं रहता है। ड्राइवर जो बोलते हैं दारू पी के चलाता है गाड़ी, तो मेरे ख्याल से मेरे जैसा लोग कम से कम 10% तो होगा ही जो दारू वगैरह नहीं पीने वाला। हम ये नहीं कर रहे कि वन पीस हम ही हैं, 10% तो ज़रूर होगा। और जो पीता है बहुत ज़्यादा, जो पीता है बहुत ज़्यादा सेवन करता है, वो एक्सीडेंट करता है, वो अलग बात है। लेकिन ऐसे कोई भी ड्राइवर नहीं जानबूझ के एक्सीडेंट करना चाहता है। हम लोग जब गाड़ी लेके चलते हैं तो रोड में एक सांप भी दिखता है ना, तो हम लोग को रोकना पड़ जाता है गाड़ी, या तो सांप को पार होने देते हैं या कटिंग करके निकाल देते हैं। और कई बार एक्सीडेंट होने का कारण होता है जानवर, कोई जानवर है, कुत्ता है, गाय है, बकरी है, बेढंगा कूद के आ गया, तो उसमें कुछ जगह मिला ड्राइवर को तो साइड से निकाल लिया, नहीं तो सोचता है कि उसको मारने से अच्छा कि फिर नीचे उतार देता है गाड़ी। अब या तो गाड़ी पलटी हो गया या फिर बच के निकल गया, तो यही सब होता है, कोई कारण से ही होता है, कोई ड्राइवर नहीं चाहता जानबूझ के एक एक्सीडेंट हो। बहुत सा गाड़ी वाला को देखे, छोटा गाड़ी वाला को बाया साइड जिसको कंडक्टर साइड भी बोलते हैं, उधर से पास लेता है तो ड्राइवर को थोड़ी दिखता है नीचे, वो मारुति कार वो छोटा सा रहता है, नीचे टायर तक तो रहता है उसका हाइट, वो थोड़ी दिखता है। तो कभी भी लेफ्ट साइड से अगर पास लेना है, चाहे बाइक हो या मारुति हो, पहले ध्यान दे कि कंडक्टर उस गाड़ी में है कि नहीं है, ये ज़रूरी है। अगर कंडक्टर नहीं है तो कम से कम इतना दूराई बना कर रखें, कहीं आप है साइड में खड़ा सिंगल बत्ती के पास और ड्राइवर बाएं काट दिया लेफ्ट साइड, तो उसमें दिक्कत हो जाता है फिर। तो जब भी छोटा गाड़ी हो, बाएं साइड में गाड़ी खड़ा करना है, तो ये ध्यान दे कि ड्राइवर हमको देखा कि नहीं देखा या कंडक्टर हमको देखा कि नहीं देखा, ये बहुत ज़रूरी है। ऐसा होने से कभी मिस्टेक नहीं होगा, लोग जाकर चुप्पे से खड़ा कर देता है और ड्राइवर कंडक्टर है नहीं, ड्राइवर चलने का टाइम आया तो लेफ्ट काट दिया, तो उसमें हादसा हो जाता कोई ना कोई। यही सब एक्सीडेंट के कारण है दोस्तों, और कोई बात नहीं। जब भी गाड़ी के पास खड़ा करे गाड़ी, तो जरूर ध्यान दे कि ड्राइवर हमको देखा कि नहीं देखा, या उस गाड़ी में कंडक्टर है वो देखा कि नहीं देखा हमको, ये चीज़ पे जरूर ध्यान दीजिए दोस्तों। यही एक्सीडेंट के विषय बताना चाह रहे थे, इस पर अगर सही रखिएगा तो कभी ऐसा कोई हादसा नहीं होगा। हाँ, जहाँ तक पीने उने का सवाल है, बहुत ड्राइवर है जो एक्सीडेंट करता है, ऐसा बात नहीं है, ज़्यादा पीता है वो तो कहीं ना कहीं एक्सीडेंट कर ही देता है, लेकिन जो कम पीता है वो कभी भी अपने पास से नहीं चाहता है कि एक्सीडेंट हो। ठीक है दोस्तों, खाना वाना बनाते हैं अभी। यही आप लोग का भी डिमांड था, संडे था, चिकन नहीं बना, तो बताए थे कि वैसा जगह मिला नहीं, तो आज हम लोग बना रहे हैं। तो कुछ कारण लेट हो गया था जो वहाँ ले नहीं पाए, तो कल बन नहीं पाया था, तो आज बन रहा है। कुछ आप लोग का भी डिमांड था, चिकन क्यों नहीं बना, चिकन बनाइए, तो ये देखिए चिकन लाए हैं, अभी बन रहा है, अभी बनाएंगे। यही मौसम अच्छा है, ठंडा गाछ पीछे लगाए हैं, यही खाना वाना बनेगा हम लोग का। चिकन बनाना चालू कर दिए हैं भाइयों, देखिए ये अब जा रहा प्याज, तेल गरम हो चुका है, जब तक हम इसको भून रहे हैं प्याज को लाल करेंगे, फिर इसमें चिकन वगैरह डलाएगा मसाला, तब तक वो देखिए कहाँ से आम तोड़ के लाया है, क्या कर रहा है।
बहुत मीठा है दोस्तों। देखिए वहाँ से तोड़ के लाए, छोटा पेड़ है। हर साल आम खाते हैं, पागल पागल आम। यहाँ पे आम बेचता है, यहाँ पे आम बेचता था। इस साल आम बेचने वाला नहीं आया है, आमे नहीं इतना फरा जो आम बेचेगा वो लोग। खाली दो गो मिला बड़ा बड़ा, फिर तोड़ के लाए तो मीठा आम है। छत्तीसगढ़ का आम मीठा रहता है, बहुत बढ़िया रहता है। ठीक है दोस्तों, ये प्याज मेरा लाल हो चुका है। अब इसमें जाएगा चिकन। ये मेरा सब्जी तैयार हो चुका है कंप्लीट। अब ये थोड़ा धनिया पत्ता इसमें जाएगा। सब्जी मेरा बन चुका है, चावल गाड़ी में बना लिया था, सारा चीज़ कंप्लीट है। अब चले इसको उतारते हैं, अब यहीं से खा पी के फिर निकलेंगे आगे। ये देखिए इसको थोड़ा रख देते हैं। खाना ना होकर रेडी है हम लोग। अब थोड़ा आधा घंटा लेटेंगे, इसके बाद फिर निकलेंगे यहाँ से। थोड़ा धूप तो है अभी, ये तो देखिए पहले ही लेट गया, ज़्यादा खाया है। फिर यहाँ से निकलेंगे, आगे घाट आने वाला है, फिर घाट चढ़ेंगे। आज शाम तक झारखंड डूब जाएंगे हम लोग। अभी दोस्तों हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं, पर हम लोग चिकन खाए हैं इसलिए अंदर जा नहीं सकते, तो आए बाहर से ही दर्शन हो जा रहा है दूर से ही। अभी दिए हैं चेला को चलाने के लिए, इस रोड में देते हैं, फाका रोड है, तो रात में तो वहाँ खुलता नहीं है, तो कहाँ से गाड़ी चलाएगा, दिन में दे रहे हैं। देखिए अभी चला रहा है। अभी चला, अभी रात भर गाड़ी चला है, अभी सुबह सुतल है, अभी दिन को चला रहे हैं, दिन को चला रहे हैं अभी। नीचे तक पैर पहुंच रहे हैं नहीं? पहला यार तू पागल कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, यही नहाने आए हैं अभी। यही देखिए हम लोग, यही पानी है। ये गाड़ी खड़ा है हमारे ऊपर में, ये जसपुर से थोड़ा आगे है जगह, बरसात में बहुत पानी हो जाता है, तो अभी थोड़ा नहाते धोते हैं यहाँ, फिर निकलेंगे नहा धोवा के। हाँ दोस्तों, नहाना धोना तो हो चुका है यहाँ। अब यहाँ से निकलेंगे, जाएंगे आगे बॉर्डर है, फिर झारखंड लग जाएगा,
तो अभी हम नहा धो सब कपड़ा वपड़ा फिंच फाँच लिए हैं तो सब ये देखिए ऊपर गाड़ी लगा हुआ है, आप जाएंगे निकलेंगे यहाँ से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज रात में झारखंड इन कर गए थे हम लोग, तो रात तो काफ़ी रात हो गया था, करीब यहाँ आते आते वो 12 एक बज गया था, तो रात में आके यहीं रुके पम्प में, तेल वगैरह लेते हैं यहीं पे, तो खाता चलता है यहाँ तो लेना ही पड़ता है, तो यहाँ रुकेंगे अभी। ठीक है दोस्तों, आज के वीडियो यहीं इन करते हैं, मिलते हैं नए ब्लॉग में, तब तक लिए बाय।